बड़ी खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां पत्नी से अवैध संबंध के शक में भाई ने भाई को गोली मार दी, जिससे दिन दहाड़े हुए गोलीकांड से इलाके में दहशत फैल गई। घायल आरिफ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, आरोपी इरशाद अपनी पत्नी के चरित्र पर पहले से ही शक करता था, जिसके चलते वह अपने सगे चचेरे भाई आरिफ और अपनी पत्नी के बीच अवैध संबंध मानता था, जिसकी वजह से आरोपी ने अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला बुलंदशहर के थाना सलेमपुर स्थित गाँव चिट्ठा का है। थाना सलेमपुर अंतर्गत ये चिट्टा गांव है, जिसमें इरशाद और आरिफ नाम के दो भाई है, आपस में चचेरे भाई हैं। इरशाद को ये शक था कि उसकी पत्नी के आरिफ से नाजायज संबंध है, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह विवाद होता है और इरशाद ने आरिफ को गोली मार दी। इंजर्ड को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुबारक अली। मुबारक जी, क्या हो गया था? परिवार का झगड़ा था चाचा ताऊ का। अच्छा, तो कैसे चोट लगी, नहीं क्या लगा है? एक के दो गोली हमारी थी। हाँ, और एक के हाथ में लगी है अंजीला। दो लोग घायल हैं गोली से, एक को रेफर कर दिया है। जी हाँ, परिचौक यथार्थ हॉस्पिटल। क्या नाम है इनका? अंजीला। उनका? आरिफ। कहाँ हुआ था ये? गांव में ही, घर पे। कौन सा गांव? चिट्टा।